नमस्कार, मैं सरेश मौर्या आप सभी का अपने चैनल यसएम ट्रांसलेशन में स्वागत करता हूँ। आप पढ़ रहे हैं टेंस, और आज से टेंस भाग दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, अर्थात मतलब पास्ट टेंस। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस, कि सभी एपिसोड हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब आज से हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस, ठीक है? तो आइए जानते हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस का अर्थ होता है बीता हुआ समय, ठीक? यानी जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे इत्यादि वर्ड आए, जिसे लगे कि यह वाक्य यानी यह कार्य यह वाणी भूतपूर्व हो चुका है, यानी पहले हो चुका है, ठीक है? यानी पहले का जो मतलब इसके साफ सीधी की बात करें तो जब कोई वाक्य हमारे सामने आए जिससे लगे कि यह है बहुत पहले हुआ है, यानी यह बीते हुए समय में हुआ है, तो जब बीते हुए समय में कोई वाक्य मिले तो वह वाक्य पास्ट टेंस का होता है, ठीक? अब पास्ट टेंस में भी कई भाग होते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम पास्ट टेंस के बारे में जान लें। ज्यादातर अंत में, वाक्य के अंत में था, थी, थे, वाक्य के अंत में आता है था, थी, थे। जब वाक्य के अंत में था, थी, थे आता है तो इससे पता चलता है कि यह भूतकाल का वाक्य है, ठीक है? खैर, ये तो इसका पहचान हो गया। ज्यादातर वाक्य आएंगे अंत में था, थी, थे के अंत में, यानी यह पहचान है। जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे आए, इससे पता चलेगा कि यह पास्ट टेंस है, ठीक? अब पास्ट टेंस में भी कई भाग होते हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसी प्रकार हम लोग पास्ट में भी वही प्रणाली अपनाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इनडेफिनिट टेंस, यानी भूत अनिश्चित अनिश्चित काल, ठीक? आज हम लोग यही पढ़ेंगे, भूत अनिश्चित काल। यानी ऐसे वाक्यों का इसमें विवरण दिया रहेगा, ऐसा वाक्य आएगा इस टेंस में जिसमें समय का कोई निश्चित यानी निर्धारित नहीं किया जाएगा। इसमें समय कब से शुरू हो रहा, कब से खत्म हो रहा, इसका कुछ भी नहीं दिया रहेगा। यानी पास्ट टेंस में अनिश्चित काल इसीलिए कहा जाता है कि इसमें कोई समय निर्धारित नहीं दिया रहता, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इनडेफिनिट टेंस। अब अगर इसका पहचान करें, इसका पहचान मेन टेंस का पहचान, अगर मेन पास्ट टेंस का पहचान करें तो अंत में था, थी, थे आता है। लेकिन अगर पास्ट टेंस का पहचान करें, पास्ट इनडेफिनिट टेंस का, ठीक है, इसका अगर पहचान करें इसका, तो आ जाएगा इसका। अब देखिए पास्ट टेंस है तो अंत में था, थी, थे तो आएगा। इसका पहचान करे तो आएगा अंत में ता था, ती थी, ते थे, इत्यादि वर्ड वाक्य के अंत में आएगा, जिससे पता चलेगा कि यह वाक्य जो है पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक? जब था, थी, थे आएगा तो इससे क्लियर होगा कि ये पास्ट टेंस है। लेकिन इंडेफिनिट का है वाक्य तो ता, ती, ते आएगा, इससे क्लियर होगा। साथ ही साथ किसी किसी वाक्य में या आएगा, या आ आएगा, या फिर ए आएगा, जिससे लगे कि हाँ यह जो कार्य है ये बीत गया है, ठीक है? तो ऐसे वाक्यों को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। यह इसका पहचान हो गया। अगर इसका बकायदे बात करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो इसकी सहायक क्रिया होती है डिड, ठीक है, जो कि पूरे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेगा काम, सिवाय सिंपल सेंटेंस को छोड़ के, ठीक? तो ई था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। पास्ट टेंस का अंत में ता था, थी, थे आएगा, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंत में ता था, ती, थी, ते, थे, या अंत में आए या आ ए, जिससे लगे कि यह वाक्य भूतकाल में हो गया है, यानी यह कार्य बहुत पहले हो गया है। सहायक क्रिया का बात करें तो इसका डिड होता है, ठीक?
ये डिड होता है, लेकिन ये डिड का इस्तेमाल हम लोग सिंपल सेंटेंस में नहीं करते हैं, कहीं कहीं मिलता है, लेकिन डिड का इस्तेमाल नॉट सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस से हम लोग करते हैं। तो आज हम लोग अब पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस, ठीक, सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, ठीक। साधारण वाक्य में क्या होता है, हमेशा वाक्य साधारण दिया रहेगा, इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं, सिर्फ सिंपल यानी साधारण वाक्य ही दिया रहेगा, ठीक। अगर इसका हिंदी का बात करें, इसका परिभाषा अगर हम कैसे दें, तो इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जब वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे इत्यादि वर्ड आए जिससे लगे कि यह पास्ट इन्फिनिटिव टेंस का है, ठीक, ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय हम लोग एक वचन हो या बहुवचन हो, ठीक, इसका सहायक क्रिया डिड भले ही है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में डिड नहीं लिखते हैं, इसका सहायक क्रिया को नहीं लिखते हैं, बल्कि सेकंड फॉर्म लिखते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी अगर इसका रूल का बात करें, रूल का, तो रूल का हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा क्रिया की सेकंड फॉर्म, ठीक, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, सो ऑन सो ऑन, ठीक। ये बात अगर हम लोग डिड को भी शामिल कर लें, ठीक, डिड को भी शामिल कर लें, तो इससे कोई कुछ गलत बात नहीं होगा, डिड को भी यहाँ शामिल हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए एक और रूल बन जाएगा, रूल नंबर द्वितीय, यही सब्जेक्ट तब डिड, जब डिड लगेगा तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, सो ऑन सो ऑन, ये इसका रूल होता है। ज्यादातर रूल नंबर एक काम करता है, रूल नंबर द्वितीय निगेटिव सेंटेंस में काम आता है। खैर कोई बात नहीं, ये तो इसका था रूल, इसका रूल था। अब अगर इसका एग्जाम्पल का बात करें, एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल्स का बात करेंगे तो आ जाएगा हम स्कूल जाते थे। देखिए अंत में आया ते थे ता थी ते थे आए, इसका अर्थ है कि पास्ट टेंस का है, लेकिन ते ता ती आए तो इससे ये पता चलेगा कि यह इंडिफिनिट का वाक्य है, ठीक। तो अगर इसको ट्रांसलेट करें दोनों रूल से तो हो जाएगा वी, अब जाना, जाना होता है गो, गो का सेकंड फॉर्म गॉन, वी गॉन टू द स्कूल, इस प्रकार हम लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर दूसरे रूल से करें तो हो जाएगा वी डिड, ठीक, गो टू द स्कूल, इस प्रकार हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप चाहे जो वाक्य बोले उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो ये है इसका एग्जाम्पल्स, ऐसे ही हम लोग अभी और एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। तो ये है इसका रूल, ज्यादातर फर्स्ट रूल का इस्तेमाल होता है, सिंपल सेंटेंस में डिड वाला रूल नहीं फॉलो करता है, कोई लगाता ही नहीं, लेकिन लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। और अगर एग्जाम्पल का बात करें, अध्यापक हमें आज आज पाठ नौ समझाए, यानी देखिए ये जो कार्य है ये हो गया है, यानी ये भूतकाल में हुआ, ठीक है। देखिए अंत में ए आया ना, तो मतलब ए आया ऐसा वाक्य आया जिससे पता चले कि यह क्रिया भूतकाल में हो गया है, तो इसको अगर बनाए तो हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट कौन है, अध्यापक, तो अध्यापक हो जाएगा द टीचर, उसके बाद क्या है, समझाना, ठीक, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का थर्ड फॉर्म होता है एक्सप्लेन, ठीक, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड क्या, एक्सप्लेन्ड किसको समझाए, हमको, यही
टू अस हस, उसके बाद क्या है, कौन सा लेसन समझाए हैं, नाइन लेसन, तो लेसन ऑफ नाइन, लेसन ऑफ नाइन, उसके बाद कहिया टूडे, ये हुआ ऐसे। इस प्रकार हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। सेम टू सेम इसमें भी ऐसा रहेगा, बस यहाँ पर डिड लग जाएगा तो एक्सप्लेन हो जाएगा। तो द टीचर एक्सप्लेन, यहाँ पर देखिए डिड लगना छूट गया, द टीचर डिड एक्सप्लेन टू अस लेसन ऑफ नाइन टुडे। इस प्रकार हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक। ऐसे ही एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, और अगर एग्जाम्पल का बात करें तो ऐसे आ जाएगा। हम एक मैच खेले, हम एक मैच खेलते हैं, खेलते थे, ऐसे आ जाए, हम एक मैच खेलते थे। इसको ट्रांसलेट करें तो आ जाएगा वी, उसके बाद अगर पहला रूल का फॉलो करें तो खेलना, खेलना होता प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, वी प्लेड ए मैच। अभी यहां देखिए यम आया है तो ए नहीं बल्कि एन, एन मैच, ठीक, ये हो गया इसका। अगर दूसरे रूल से बात करें तो दूसरे रूल से हो जाएगा वी डिड प्ले एन मैच। इस प्रकार हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऐसे में भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप सभी को मिलेंगे, तो आप इन दोनों को, इन दोनों रूल को अपने मन में रख के उन्हें ट्रांसलेट कर सकती हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, आप सभी का दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे।